यारी मदद सर, यार यारी मदद, यारी मदद फ्रेंड्स ऑनलाइन। यानी मदद, यानी मदद, यानी याली मदद, मदद, यानी मदद, याली मदद सर, यानी मदद, यानी मदद। यानी मदद, तमाम गुड टू सी यू। साथियों को, थैंक यू सर, तमाम साथियों को बहुत ही आजीदाना याली मदद। हम इस फरमान के सेशन को इमाम के मुबारक नाम से आगाज करेंगे। या नूर मौलाना शाह करीम उल सैनी, हाजिर इमाम, हाजिर इमाम, क्या मीठा है मौला का नाम कि जब भी मौला का नाम लेते हैं दिल में एक मुसर्रत खुशी की लहर दौड़ जाती है। या मौला, तेरे से आजीदाना दरखास्त है कि हम गरीबों को तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी इनायत फरमा मौला, ताकि हम तेरे फरामीन को पढ़कर, समझकर उस पर अमल कर सके। नूर मौलाना शाह करीम उल सैनी, हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। आज हम फरमान नंबर 16 फ्रॉम कलाम इमाम मुबीन से हम आगाज करेंगे। जस्ट लाइक प्रीवियस वीक एंड फॉर द फ्रेंड्स हु वर नॉट विद अस लास्ट वीक, आप देखेंगे कि कुछ फरामीन के अंदर इमाम हमें कुछ अलहदा अलहदा स्टोरीज और मिसालें, इन इमाम फरमान स्पेशली इन दी इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मे आवर सोल बी सैक्रिफाइड टू देयर इमाम गिव्स स्टोरीज एंड एग्जांपल्स। सो वी मे लर्न फ्रॉम इट। याद रखें कि कहानियां और मिसालें हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ नसीहत करने के लिए होती है। इसको हमें ध्यान में रखना होगा इन फरामीन को पढ़ते हुए। आपको याद होगा कि हमारी एक सेशन में बहुत ही अर्ली ऑन हमने चार किस्म के फरामीन की बात की थी। देर आर फोर काइंड्स ऑफ फरमान। वन विच सिट्स इन अ प्लेस, यानी कि किसी मकाम के लिए खास फरमान। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका से लोगों को निकलने के लिए, ढाका से लोगों को निकलने के लिए, किसी जगह पर लोगों को बसाने के लिए इमाम ने फरमान किया। द फरमान सिट्स इन अ प्लेस। सेकंड टाइप, वक्त के अंदर फरमान होता है, यानी कि वो फरमान का ताल्लुक किसी खास जमाने के अंदर होता है। जिस तरह के किसी जमाने के अंदर जब हमारे इमामों के पास जाहिरी फिजिकल किंगडम होती थी और लोग जंग में जाया करते थे, और कुछ एकामात फिजिकल दुनिया के लिए होते हैं, जाहिरी दुनिया की तरक्की के लिए होते हैं, और आखिर के जो फरमान बच गए फोर्थ काइंड, वो रूहानी फरमान होते हैं।
और हर फरमान के अंदर आपको यू विल फाइंड के इवन इन द जाहिरी फरमान यू विल फाइंड सम एसेंस ऑफ द बातिन एंड इन द बातिनी फरमान यू विल फाइंड सम एसेंस ऑफ द फिजिकल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इमाम टॉक्स अबाउट द डिसिप्लिन द फिजिकल डिसिप्लिन तो उसके अंदर बातिन का एक हिस्सा छुपा हुआ है क्योंकि जाहिरी डिसिप्लिन के अंदर बातिन के बहुत सारे बेनिफिट्स फायदे छुपे हुए हैं. जब हम सुबह को जल्दी उठकर इबादत करते हैं दुआ पढ़ते हैं तो उसके अंदर फिजिकल हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट छुपे हुए होते हैं. तो आपने देखा कि जाहिर के अंदर एक बातिन का पहलू है और बातिन के अंदर एक जाहिर का पहलू है. सो इन चीजों को माइंड में रखते हुए हम ये एक और किस्सा एक नसीहत एक एग्जांपल सुनने जा रहे हैं आज फरमान नंबर 16 पर. ये कलाम इमाम मुबीन के फरमान नंबर 16 है and the page number is 19 in the Farman book. Mullah says, let me tell you a story. Ek basha shikar karne ke liye jungle mein gaya. Usne raste mein ek hakim ko dekha. हकीम यानी कि डॉक्टर नहीं बल्कि वो एक दरवेज था. हकीम का वर्ड जो है वो दो मायनों में यूज होता है. हकीम डॉक्टर को भी कहते हैं और हकीम हिकमत वाले को भी कहते हैं. यहाँ पर मौला ने ये वर्ड हकीम हिकमत वाले के लिए इस्तेमाल किया. वो दरवेश एक जगह बैठा हुआ था. वो दरवेश अपना घर बार छोड़कर खुदा की मोहब्बत में जंगल में बैठा था. बादशाह की मुलाकात उस दरवेश से हुई. और दरवेश और बादशाह दुनिया की बातें करने लगे. दरवेश ने कहा दुनिया की मिसाल ऐसी है जिस तरह एक मस्त हाथी किसी आदमी पर हमला करना करता है. वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक दरख्त पर चढ़ जाता है. मस्त हाथी दरख्त को के तने को हिला रहा है. दरख को हिलाने की वजह से उस आदमी का पांव दरख की शाख से फिसल जाता है जिसकी वजह से वो दरख की शाखों पर लटक रहा है. दुनिया को हिलाने की दरख को हिलाने की वजह से शाख में मौजूद शेद के छत्ते में से शेद के कतरे उस शख्स के मुंह में टपक रहे हैं. दूसरी तरफ सफेद और काले दो चूहे हैं उस शख्स को काट रहे हैं जिसको वो शख्स पकड़कर लटक रहा है. नीचे एक बड़ा कुआं है जिसमें अजा है यानी कि एक बहुत बड़ा सांप है जिसके मुंह से आग निकल रही है. इस तरह उसके चारों तरफ खतरा होने के बावजूद शेद के छत्ते से टपकने वाले शेद के मजे को ना छोड़ सकने की वजह से अपना बचाव करना भी भूल जाता है. आखिरकार काले और सफेद चूहे उस शाख को काट डालते हैं और वो आदमी कुएं में
रहने वाले अजा के मुंह में जा गिरता है। दरवेश ने जब ये बात खत्म की तब बादशाह ने उसका मतलब पूछा। दरवेश ने जवाब दिया और कहा कि शेर से मुराद औरत, औलाद, फैमिली और दुनिया का माल है। कुएं और अजा से मुराद दोजख है। काले और सफेद चूहे से मुराद रात दिन है। भाषा को ये बात बहुत अच्छी लगी। Let me stop here and ask. Not that I'm asking you to unmute or anything, just your thought. Ask yourself, what does Imam is saying in this Farman? आपको ये कहानी से क्या समझ में आती है बात? ये मिसाल से क्या मुराद है इमाम की? What does Imam is telling us through this story? हर एक अपने अपना इंटरप्रिटेशन या अपना अपना ख्याल जाहिर करेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सवालात बच जाएंगे। आप जितना भी इसके ऊपर गौर करेंगे इसके अंदर कुछ सवालात बच जाएंगे, यानी कि जिसका जवाब समझ में नहीं आता है कि क्या मुराद है इस किस्से की। What is the purpose of the story of this in a farman? क्योंकि अगर एक शख्स जो के अपने बचाव के लिए सड़क पर चढ़ गया था और उसके मुंह के अंदर अगर अब शेर गिरने लगा है तो वो क्या उसको छोड़कर नीचे गिर जाए या क्या वो हाथी के सामने गिरे ताकि वो उसको कुचल डाले या वो सांप के मुंह में गिर जाए और अपने आप को जला डाले? What is the purpose of this story? इसके अंदर इमाम हमें ये समझा रहे हैं कि जिंदगी जो रात और दिन के ऊपर रखी गई है, यानी कि हमारा जो वक्त है और जो भी हमारे पास एक लिमिटेड जिंदगी है, हम उसके अंदर इतने मशगूल हो जाते हैं। We get so busy in the life, जो शेद की मिसाल है, हनी की मिसाल है, कि हम जिंदगी के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया का वक्त बहुत ही लिमिटेड है। In our present jama, Imam has given us many, many faramin regarding this. That it is not this life. This life is not but limited. But this life of the soul is eternal. लेकिन हमने eternal दुनिया के लिए क्या किया और कितना किया? Two question. What have we done for our eternal life, for our soul, compared to what are we doing for our physical life, which is temporary? Last week I had given an example of two family, one who uses his entire resources, ek jo apna pura रिसोर्स जो होता है अकल और पैसे वो इस दुनिया के अंदर खर्च कर लेता है, यानी कि वो दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छा रहने के लिए और अच्छे से अच्छा खाने के लिए और अच्छे से अच्छा मजा करने के लिए अपना पूरा वक्त, अपनी अकल,
अपने रिसोर्सेस एवरीथिंग वो यूज कर लेता है, लेकिन ये जिंदगी टेम्पररी है, 4 दिन की है। एक और मिसाल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टुडे। आप मार्केट के अंदर जाते हैं एक कंप्यूटर खरीदने के लिए, एक टीवी खरीदने के लिए, एक पंखा खरीदने के लिए। आप दुकानदार से कहते हैं, पूछते हैं कि भाई ये पंखा, ये कंप्यूटर, ये टीवी कितने साल मुझे चलेगा। आप कभी भी वो चीज खरीदते नहीं है जो दुकानदार कहें कि 4 दिन में खराब हो जाएगा, 4 दिन में ये मर जाएगा, 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। यानी कि आप टेम्पररी चीज को बाय करके घर में नहीं लाते हैं, आप वो चीज खरीदते हैं जो पायदार हो, द वन हैज अ लॉन्ग लाइफ। सो यू आर वरीड अबाउट योर फैन, योर टीवी, योर कंप्यूटर टू इंश्योर बिफोर यू बाय दैट इट विल लास्ट यू लॉन्ग 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 टाइम। लेकिन हमारी जो जिंदगी है जो टेम्पररी है, 4 दिन की है, हम इस जिंदगी यानी कि टेम्पररी जिंदगी के लिए अपना 24 घंटा निकाल देते हैं उसकी फिक्र में, और जो जिंदगी परमानेंट है उसकी फिक्र नहीं करते हैं। ये तो नादानी हो गई। दिस पार्ट डज नॉट टेल अस दैट वी आर स्मार्ट ह्यूमन बीइंग। स्मार्ट आदमी कौन होता है? जो परमानेंट चीजों की फिक्र करता है, टेम्पररी चीजों की फिक्र नहीं करता है। अब यहां पर देखें, इस फरमान में मौला में समझाते हैं कि हम दुनिया की मिठास में इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि अगर जब हम मरेंगे तो हम कहां पर जाने वाले हैं और हमारी रूह का क्या होने वाला है, एंड व्हाट एंड हाउ इट विल एंड। वी फॉरगेट, दिन रात निकलते जाते हैं, दिन रात निकलते जाते हैं और मौत का वक्त आ जाता है। जबकि हमें जिंदगी जो इनायत की गई थी उसका मतलब ये था कि हम यहां से कोई सरमाया, सम सेविंग, अच्छे गुड डीड्स करके आगे भेजे, यानी कि ऐसे काम करके जाएं कि इस दुनिया में से मरने के बाद हमें एक अच्छी जगह नसीब हो, ना कि हमारे पीछे हमारी जमात को, हमारे दोस्तों को, हमारी फैमिली को हमारे लिए सलवातें पढ़नी पड़े और सिफारिश करनी पड़े। इमाम अपने चांदराज के फरमान में फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा कोई भी मोमिन गुनहगार होकर ना गुजर जाए, क्योंकि अगर हमने सिर्फ दुनिया का मजा, शहद, हनी के पीछे हमने पूरी जिंदगी निकाल दी तो फिर आखिरत के बारे में कब सोचेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ इन दिस फरमान। इसके बाद मौला फरमाते हैं, दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। मौला ने उसकी मिसाल देते हुए फरमाते हैं, पहले बहुत पैसे वाला, दूसरे कम पैसे वाले, तीसरे गरीब यानी कि बिगर पैसे वाले। जब पैसे वाला पैसे वाले के घर जाता है तब उसकी बहुत खातिर मदारत करता है और इज्जत और आबरू के साथ आओ वो भगत करता है। दूसरा जो कम पैसे वाला है वो उस बहुत पैसे वाले के घर पे जाता है तो वो उस जैसी खातिर मदारत नहीं करता, मतलब थोड़ी करता है। जब गरीब पैसे वाले के घर पे जाता है तो उस गरीब को घर में आने नहीं देता। ये तीनों दोस्त थे,
उसमें से जो बहुत पैसे वाला था वो गरीब हो गया। तब उसके कुछ गुनाहों की वजह से बादशाह ने उसको लकड़ियां से मारने का हुक्म दिया। तब उसने माफी मांगी और अर्ज की कि मुझे नहीं मारो, अब ये शख्स जो गरीब हो गया है वो मदद मांगने के लिए पैसे वाले के पास जाता है, लेकिन वो पैसे वाला उसको सीधा जवाब नहीं देता और कहने लगा कि बादशाह के सामने मेरी एक नहीं चलेंगी। आप देख रहे हैं कि अब इमाम एक और मिसाल दे रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ टीचिंग। याद रखें कि जिस जमाने में ये फरामीन मौला ने फरमाए थे, यू विल नॉट सी दिस काइंड ऑफ फरमान विद हाजिर जामा, बिकॉज इमाम इन प्रिजन जामा इज गिविंग अस हिदायत इन वेरी हाई मैनर एंड लेवल। लेकिन जब हम किसी जमाने में इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो इमाम ने ऐसी ऐसी मिसालें दी कि जो उस जमाने के लोग के ऊपर लागू पड़ती थी, बिकॉज इन दैट टाइम एंड एज दिस मिसाल अप्लाइड टू दोस पीपल। अब ये गरीब दूसरे कम पैसे वाले के पास गया तो उसने भी कहा कि मुझसे मदद नहीं हो सकती। आखिरकार वो उस गरीब दोस्त के पास गया और कहा, मुझसे तुम्हारी कोई खातिर तवाज़ो नहीं हो सकी, फिर भी मेहरबानी करके बादशाह के पास जाकर जामिन बनकर मुझे छुड़ा लो। वो गरीब दोस्त बादशाह के पास जाकर समझा कर उसका जामिन बनना और उसको छुड़ाया। बादशाह ने हुक्म हकीम से पूछा कि इस हकायत का क्या मतलब है। तब हकीम यानी कि दरवेश ने बताया कि जिसको गुनहगार की हैसियत से बादशाह के पास जाना पड़ा वो इंसान है जिस पैसे वाले की खातिर तवाज़ो करता था। वो दुनिया की दौलत है जिसके पीछे वो ख्वार वाह। जिस गरीब आदमी ने उसको छुड़ाया वो खुदा की इबादत है। तो आप देखें कि वो किस तरह से इमाम ने एग्जाम्पल दी है। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज एग्जाम्पल ऑफ थ्री ह्यूमंस, थ्री फ्रेंड्स। इट्स नॉट अबाउट रिच और पुअर बट थ्री एट्रीब्यूशन। ये पैसे वाले और गरीब की बात नहीं हो रही है यहां पर इंसान के तीन एट्रीब्यूशन यानी कि उनके तीन आमाल की बात हो रही है कि क्या चीज आपको आपके बादशाह यानी के आखिरत में खुदावंद ताला के सामने कौन सी बात चलेंगी और कौन सी बात नहीं चलेंगी, कौन सी बात चलेंगी और कौन सी बात नहीं चलेंगी। नाचीज ने अभी जो एक एग्जांपल दी थी कि ऐसा ना हो कि हम मर जाएं और पीछे से हमारी जमात को, हमारी फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को सलवात पढ़ के हमारी सिफारिश करनी पड़े क्योंकि हमने अपने हाथ से कोई काम नहीं किया। तो सिफारिश भी कौन कर सकता है? क्या हर आदमी की सिफारिश काम आती है? क्या हर आदमी की सिफारिश काम आती है? खुदावंद ताला उसकी सिफारिश सुनता है जो आलिम व आबिद होता है, यानी कि जिसने अपने लिए कुछ सेविंग वहां पर भेजी होगी तब तो उसकी कोई रिसोर्स चलेंगी, कोई सिफारिश चलेंगी। अगर वहां पर कोई कुछ नहीं भेजता है तो क्या सिफारिश चलेंगी? उसकी दो मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ये एग्जांपल है, खाली एक एग्जांपल है समझाने के लिए।
एक फैमिली है, वो कभी भी कोई अच्छे काम नहीं करते हैं, जमात करने नहीं जाते हैं, इबादत नहीं करते हैं, दसों नहीं देते हैं, कभी जमात में आकर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते हैं, और खुदा ना खास्ता उनकी फैमिली में मौत हो जाती है। अब पूरी फैमिली जमात में आ गई और सिफारिश करने लगे मुखी के सामने कि तोबा तोबा तहसीलदार, हम रूहानी की दुआ कराते हैं, हम रूहानी के लिए दुआ कराते हैं, हम नांदी लाते हैं, हम रूहानी के लिए मजलस में पैसे डालते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन उन्होंने कोई सरमाया, कोई ऐसा अमाल नहीं किया था कि जिसकी वजह से उसकी सिफारिश काम आवे। लेकिन वो मुखी साहब से दरखास्त करते हैं कि मुखी साहब, अब हमारे बिहाफ में, हमारी तरफ से मौला के पास सिफारिश करें। ये एक मिसाल थी। दूसरी मिसाल इमाम अपने एक फरमान में फरमाते हैं कि जमात खाने के अंदर तीन किस्म के लोग हैं। पहले यहाँ पर तीन किस्म के लोग, पैसे वाले, गरीब और गरीब की बताई। यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि जमात खाने में तीन किस्म के लोग हैं। एक जो आते हैं जमात खाने में, जैसे आए ऐसे चले गए, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। दूसरे किस्म के वो है जो जमात खाने में आकर गुनाहों की पोटरी साथ में ले जाते हैं। हाउ, एक आदमी जो जमात खाने जाता है वो गुनाहों को कैसे ले जावे घर के अंदर? तो मौला एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उसने जमात खाने में बैठकर हंसी मजाक, दुनिया के और बुरे कामों को किया, यानी कि एक दूसरे की गिला गिबत की। वो जमात के अंदर तो जरूर आए, लेकिन गुनाहों को लेके गए। फिर मौला फरमाते हैं कि तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो खाली हाथ आते हैं, लेकिन सवाब की टोकरी भर कर ले जाते हैं। अब इन तीनों के अंदर क्या फर्क है? एक जो खाली हाथ आया, खाली हाथ गया, क्योंकि उसको कोई समझ नहीं थी। हमारे तरीके की, इमाम की कोई पहचान नहीं थी, तो उसको क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। वो आया खाली हाथ, गया खाली हाथ। दूसरा जो जमात खाने में आकर मजाक मस्ती करता है। आप देखते हैं जमात के अंदर, I'm sure कि हमने सब ने देखा है, the people will come, they will be laughing, they will having fun and they will be talking about the world, business की बातें करते हैं, line के अंदर, दुआ के अंदर खड़े रहकर अपने धंधे की बातें करते होते हैं। जब उनको अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो देकर गुनाहों की माफी मांगनी होती है, उनकी तवज्जो अपने पैसे के ऊपर होती है, अपने धंधे के ऊपर होती है। फिर जमात सारा खत्म होने के बाद वहां बैठकर वो एक दूसरे की गिला गिबत करते हैं और बुरे अमाल करते हैं जमात खाने में बैठकर। और हम तमाम ने ऐसे लोग देखे हैं। आई एम नॉट जजिंग एनी वन, लेकिन ये एग्जाम्पल है, सो वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन आवर सेल्फ, ताकि हम अपने ऊपर तवज्जो दे सकें कि इमाम के इस फरमान के मुताबिक हम कौन से हैं। फिर तीसरे किस्म के लोग हैं जो सीरियसली जमात खाने में जाकर तवज्जो से दुआ पढ़ते हैं, गिनान सुनते हैं, फरमान करते हैं, और कोई दुनिया की बात नहीं करते हैं, और सवाब की टोकरी भरकर वो घर पे ले आते हैं। क्योंकि जमात खाने के जाने का मकसद लोगों की गिला के बाद हंसी मजाक, दुनिया का काम नहीं था। That's not the place. दुनिया का बिजनेस करना उसकी जगह नहीं है, जमात खाना वो अलग जगह है। जमात खाना इज नॉट द प्लेस। जमात खाना जाने का मतलब हमारी रूह को गिजा पहुंचाना था, ना कि हंसी मजाक करने के लिए हम गए थे वहां पर।
पर्पस दूसरा था। आप एक और मिसाल ले लें, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर हम खाना खाने के लिए जाते हैं, हमारा पर्पस खाना खाना है। जब हम शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो वहां पर हमारा पर्पस शॉपिंग होता है, एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट वी डू, शॉपिंग। तो फिर जब जमात करने आते हैं तो व्हाई डू वी फॉरगेट द पर्पस, कि वहां पर हमारा पर्पस हमारी रूह की निजात था, हमारी रूह के लिए गिजा हासिल करनी थी, दैट वाज द पर्पस। सो वी शुड गो इन अ प्लेस एंड वी शुड कीप द पर्पस इन आवर माइंड, वी शुड नॉट जस्ट गो देयर मैकेनिकली एंड फॉरगेट व्हाट वाज द पर्पस। जमात आने जाने के पर्पस को हम भूल ना जाए, इसका क्या मकसद था, वहां पर जाने का मकसद हमारी रूह की निजात था, ना के दुनिया का काम करना था। तो ये सारी मिसालें थी समझाने के लिए। आगे मौला फरमाते हैं, इसके बाद दुनिया में इबादत करने वाले बहुत कम हैं, इबादत ना करने वाले से पूछा जाएगा, लोग पैसे के पीछे मदहोश होने की वजह से जमात खाने नहीं जाते। बहुत से लोग दौलत ज्यादा मांगते हैं लेकिन जमात खाने कम जाते हैं। यहाँ पर लेट मी स्टॉप हियर अगेन। आप देखें कि बहुत सारे इस्माइली भाई बहन पैसे की फिक्र में, दुनिया की फिक्र में वो भूल जाते हैं कि हमारी परमानेंट लाइफ और रूह की जिंदगी है। और हाजिर जौमे में जितने मौला ने इस बाबत के अंदर फरमान फरमाए हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकेंगे। हाउ मेनी टाइम हाजिर इमाम हैड गिवन अस फरमान, दिस लाइफ इज टेम्पररी, दिस लाइफ इज टेम्पररी, दिस लाइफ इज टेम्पररी, योर सोल इज इटर्नल, योर सोल इज परमानेंट, योर सोल विल लिव फॉर एवर। इवन वेन वी डू गो टू जमात खाना, आपकी दुआओं के ऊपर तवज्जो दें, हम दुनिया ज्यादा मांगते हैं, रूह के लिए दुआएं कम मांगते हैं। हम हमेशा इमाम से पैसे 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 मांगते रहते हैं, दुनिया की शोहरत मांगते रहते हैं, मेरा बेटा एग्जाम में पास हो जाए, मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल जाए, मेरे शोहर को अच्छी जॉब मिल जाए, पैसे पैसे पैसे। हमारी एक टीचर है, उसने बहुत अच्छी एक बात हमें समझाई थी जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते थे, कि एक टीचर पेरेंट टीचर की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर माँ बाप से पूछती है कि आपके बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं। किसी ने कहा मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, किसी ने कहा मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती हूँ, किसी ने कहा मैं अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहती हूँ, पैसे वाला बनाना चाहती हूँ, मैं किसी को ये बनाना चाहती हूँ, वो बनाना चाहती हूँ। तो टीचर आखिर में कहती है कि ताजुब है, आप में से कोई भी अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहता है। शी सेड आई एम सरप्राइज्ड दैट ऑल ऑफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, मनी मेकिंग मशीन, बट नन वॉन्ट टू मेक योर चिल्ड्रन अ गुड ह्यूमन। क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। एंड वी फॉरगेट के पैसे है और इंसान अच्छा नहीं है तो वो पैसे कुछ काम नहीं आने वाला है। लेकिन अगर इंसान अच्छा है और पैसे कम भी है तो भी कोई बात नहीं है, वो सुखी जिंदगी जीता है। अगेन दिस वॉज एन एग्जाम्पल कि जब हम इमाम के पास दुआ मांगे तो अपनी रूह के लिए ज्यादा और अपने बच्चों और फैमिली के लिए एक अच्छा इंसान होने की दुआ मांगे। क्योंकि अगर वो एक अच्छा इंसान होगा
तो खुद को भी, फैमिली को भी और जमात को भी फायदा पहुंचाएगा। अगर कोई पैसे वाला होगा, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव सीन, वो बच्चे जो पैसे वाले होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, बल्कि वो पैसे वाले होंगे तो अपने माँ बाप को सीनियर सिटीजन होम के अंदर भर्ती करा देंगे, बोलेंगे आप जाओ वहां पर रहो, हमें पैसे कमाने दो, क्योंकि अच्छा इंसान नहीं बनाया अपने अपने बच्चों को, आपने अपने बच्चों को पैसे वाला बनाया। आगे चलते हैं, मुला फरमाते हैं, दुनिया में हमेशा 313 मोमिन मौजूद होते हैं। अगर 313 मोमिन मौजूद ना हो तो दुनिया ना चले। ये लाइन और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, मुझे यकीन है कि सिर्फ नाचीज के पास ये सवाल नहीं, बल्कि हर मिशनरी के पास ये सवाल लेकर लोग आते हैं कि ये 313 मोमिन कौन है और क्या ये 313 ही होते हैं कि कभी 314 हो जाते हैं, कभी 315 हो जाते हैं, कभी 312 हो जाते हैं, कभी 311 हो जाते हैं, या कभी 310 हो जाते हैं, या ये नंबर फिक्स है 313। अब एक मोमिन तैयार हो गया 313 के अंदर शामिल होने के लिए, अब वो बैठा हुआ बेचारा इंतजार कर रहा है कि एक 313 के अंदर वो मर जाए तो मेरी बारी आ जाए। आप सोचे, कल से सोचे, थिंक, अगर ये 313 के साथ एक और मोमिन तैयार हो जाता है तो क्या वो जिंदगी भर इंतजार करेगा कि उसमें से एक मर जाए तो मेरी बारी आ जाए? क्या इमाम ने अच्छे मोमिनों के ऊपर एक लिमिट लगाई है कि बस 313 से ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, कोई लिमिट है ये? नहीं मेरे भाइयों बहनों, मेरे वडीलों, मौला ने समझाने के लिए हमें फरमाया है कि दुनिया में हमेशा अच्छे मोमिन रहते हैं, ताकि आप भी ऐसे अच्छे मोमिन बनकर उनके अंदर शामिल हो जाएं। Let me explain this in English to make sure everyone understand. Imam had given us the example of 313 mu'min. So we may pay attention to it. So we try to be like them. And we may join them. Taki Imam hamari baat kare ki hum bhi un acche mu'minon mein shamil hain. अभी हमने बात की थी कि कौन सिफारिश कर सकता है, आप अगर अच्छे मोमिनों में शामिल हो गए तो आप सिफारिश कर सकेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया है कि मैं एक अच्छा मोमिन हूं, तो या मौला चूंकि मैं तेरे करीब हूं तो मेरी बात को सुन और मेरे जमात को, मेरे भाई बहन को, मेरे दोस्तों के गुनाहों को माफ कर, उसकी सजा माफ कर दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे, उनको अपनी कुर्बत में रख, अपने दीदार में रख, अपने असल में वासिल कर, ये कौन सिफारिश करेगा? तो डोंट वेट कि हमको 313 मोमिनों की सिफारिश चाहिए, बल्कि खुद को इन 313 के अंदर शामिल करने की कोशिश करें। यहाँ पर फरमान में हमको ये समझाने में आया है, ना कि इमाम ने कोई लिमिट लगाई है कि बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। आज 15 मिलियन इस्माइली है तो मुझे सिर्फ 313 चाहिए। दिस इज नॉट व्हाट इमाम इज सेइंग। इमाम वांट्स यू टू बी जस्ट लाइक देम। एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू बी जस्ट लाइक देम। आखिरी दो तीन लाइन, इंसाफ से जवाब दो कि तुम औलाद मांगते हो और जमात खाने से मोहब्बत क्यों नहीं रखते? तुम दौलत को इबादत से भी ज्यादा चाहते हो। जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम,
यानी कि मौत का समा, मौत का समा, तब औलाद दौलत कुछ भी काम नहीं आएंगी, इबादत काम आएंगी। जब बड़ा बादशाह यानी कि खुदावन ताला हिसाब लेगा तब कुछ काम नहीं आएगा, मगर तुम्हारी इबादत काम आएंगी। आपने देखा कि आप अगर सिर्फ पैसे मांगते हो और बच्चे को पैसे वाला बनाते हो, तो जब मौत का वक्त आएगा तो ना तो आपके बच्चे आपके लिए कुछ कर सकेंगे, ना ही आपके पैसे कोई काम आएंगे। बल्कि अगर आपने अच्छे अमाल किए होंगे, अच्छी इबादत की होगी, तो उस वक्त आप बहुत ही सुकून से, बल्कि खुशी खुशी से, जैसा समुला ने फरमाया कि मौत का दिन ईद का दिन होता है। किसके लिए ईद का दिन होता है? जो इस दुनिया में अच्छे अमाल करके अपनी मौत की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में मुतमईन होता है कि मेरा मौला मुझे उस मकाम पे ले जाएगा जिसका उसने मुझसे वादा किया है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, ये फरमान जारी है, इंशाल्लाह हम आधे फरमान को नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। डू वी हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फरमान? इट वॉज रियली हार्ड फरमान टू अंडरस्टैंड बिकॉज Everything was given in the example. Ji. Subhanallah, subhanallah, sir. Friends, if you have any questions, please share in the chat room. Okay, so I don't see any question in the chat room at this time. Friend, if you have any question, please unmute your device. Yali Madad, Zulfiqar here. Madad. Yes, I've got a small comment or whatever question you would call it. According to Sultan Muhammad Shah's Farman, he does not give a proportion, but he says, take care of the year after. And Hazri Imam, his message, his Farman has changed. Keep a balance. And balance, of course, can be 50-50 or whatever you think is right. What would your thinking be? Gee. Thank you, Dr. Saab. Beautiful question. अभी एक सेशन के अंदर नाचीज किसी को बता रहा था कि मुझे एक दोस्त मिला, पूछा कि भाई आजकल जमात करने में ज्यादा नजर नहीं आ रहे हो, क्या बात है? कहने लगा कि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा हूँ। पूछा, क्या मतलब तुम अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो? कहा कि पहले मैं 7 दिन शाम को जमातने और 7 दिन सुबह को जमातने आता था, फिर मुझे किसी ने बताया कि अपनी लाइफ को बैलेंस करो, तो अब मैं 3 दिन जमातने सुबह को भी नहीं आता हूँ और 4 दिन शाम को भी नहीं आता हूँ, तो अब मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है। आपने देखा, चूंकि वी normally don't understand what imam's farman is, and honestly I'm telling you, imam ke farman ko samajhna bahut hi mushkil hai. To jab hum aisi baatein karte hain, jis tarah se usne kaha ki main ab 4 din sham ko nahi aata hu, 3 din subah ko nahi aata hu, aur ab maine imam ke farman ke mutabik apni zindagi ko balance kar liya hai. अगर आप सोचें कि हमारी ये जिंदगी 100 साल की है, हमारी रूह की जिंदगी 50,000 साल की है, अब आप मुझे बताएं कि अपनी इस दुनिया में, इस जिंदगी के अंदर, इस 100 साल के अंदर आपको कितने अमाल, कितनी इबादत करनी है जिंदगी को बैलेंस करने के लिए? बिकॉज टोटल लाइफ इज 50,100, नॉट जस्ट 100 बट 50,100, दैट इज द टोटल लाइफ. Now trying to balance their life, you will not be able to do it. So when Imam gives us this kind of farman, what he is saying,
look what you're doing for your physical temporary life compared to your spiritual permanent life. इस फरमान का मतलब यह है, आप देखें कि आप अपनी टेम्पररी अर्जी लाइफ दुनिया के लिए कितने घंटे डालते हैं कंपेयर टू अपनी रूहानी जिंदगी जो परमिनेंट है उसके लिए कितना वक्त डालते हैं। मौला ने हमारी तवज्जो दिलाई इस बैलेंस के ऊपर। नाउ आई वुड एस्क यू टू मेक अ चार्ट, मेक 24 कॉलम्स इन अ चार्ट एंड से कि मैंने ये घंटा अपनी रूह के लिए काम किया और ये घंटा मैंने दुनिया के लिए काम किया। स्टार्ट मार्किंग दोस 24 कॉलम्स एंड यू विल सी यू आर नॉट बैलेंस, मैटर ऑफ फैक्ट यू विल बी आउट ऑफ बैलेंस कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस बिकॉज मोस्ट पीपल कैन नॉट इवन गिव 3 hours ऑफ 24 hours to imam, to his own soul. Why did I say 3 hours, not 4 hours, not 5 hours, not 6 hours? Because 3 hours is the zone, 12.5% जो the zone बनता है, 24 घंटे का 12.5% 3 घंटा बनता है। वो 3 घंटे की the zone भी हम खा जाते हैं, वक्त की the zone भी हम खा जाते हैं। अगर हम 3 घंटा रोजाना इमाम को नहीं दे सकते हैं तो वेयर इज दिस बैलेंस? वी कैन नॉट कीप बैलेंस। हाउ कैन वी कीप द बैलेंस व्हेन इट कम्स टू 50,100 year जिंदगी, दैट्स अ टोटल जिंदगी, बट व्हेन वी कैन नॉट इवन कीप द बैलेंस इन द 100 year लाइफ, are we giving 12 hours to the imam? No, we are not. Are we giving 3 hours to imam, which is the required jo farz hai? Kya hum 3 ghante imam ko dete hain rozana? Aap khud hi dekhe, you don't have to tell me. Make a chart, make 24 columns and start marking and see if our life is balanced or really really unbalanced. And then you will come to conclusion that imam is drawing our attention toward the balance of your life. Give what is required for your soul and your permanent life. That is the farman. Thank you, Dr. Zain, for bringing our attention to this. Thank you, Aziz sir. So we have one more question in the chat. So the friend is asking in the Imam's Farman, it says, why cannot the world be regulated without 313 mu'mins? I thought it was the Imam who regulates the world. Bahut acha sawal, very good question. Imam apne farishton ke saath milkar ye duniya chalata hai. क्योंकि देखे हम कहते हैं कि खुदावन ताला इस दुनिया को चलाता है, फिर हम कहते हैं इमाम इस दुनिया को चलाता है, लेकिन इमाम एक बादशाह की तरह है, इज लाइक ए प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्री को प्रेसिडेंट नहीं चलाता है बल्कि उसके कैबिनेट चलाते हैं। इसी तरह से दुनिया को इमाम नहीं, उसके फरिश्ते चलाते हैं, उसके अच्छे मोमिनीन चलाते हैं। बिकॉज इमाम इज लाइक अ किंग, वो सिर्फ अमर करता है, हुक्म करता है, और उसके अच्छे मोमिनीन अपनी इबादत, अपने अच्छे आमाल और अपनी उस अक्ल से जो इमाम ने उनको दी है, अपने अमर के साथ उसके साथ मिलकर वो दुनिया चलाते हैं। Example is this of a country. The president and his cabinet runs the country, not just the president. Ji.
Sir, we have next, we have two questions from the same friend. They're asking, how do we know how many years our souls have lived? Did all souls were created at the same time? So the friend said, how do we know how many years our souls have lived? Did all souls were created at the same time? Okay, okay. अच्छा तो यहाँ पर इज दिस इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन और उर्दू स्पीकिंग पर्सन और गुजराती स्पीकिंग पर्सन क्योंकि ये बात थोड़ी टफ है आई वांटेड टू मेक श्योर ही अंडरस्टैंड सर नॉट श्योर नॉट श्योर ओके सो लेट मी एक्सप्लेन इन बोथ द क्वेश्चन इज कि क्या हमारी ये जिंदगी के अंदर जो 50 साल की 50,000 साल की जो हमारी रूहानी जर्नी है उसके हम कौन से मकाम पर खड़े हुए हैं और उसके दूसरा सवाल था कि क्या तमाम रूहें एक साथ पैदा होती है तो दूसरा सवाल का जवाब आसान है जब जब दुनिया में हम आए हैं तब तब हमारी रूह का आगाज हमारी जर्नी का आगाज हो गया लेकिन हमारी रूह जो परमिनेंट है वो खुदावन ताला के अंदर हमेशा से जिंदा है हमेशा से जिंदा है और जब हम इस दुनिया में आते हैं वहां से हमारी गरी हमारा टाइम का आगाज हो जाता है यानी कि हम तमाम जो आज यहाँ पर मौजूद है हमारे 50,000 साल का आगाज आज हुआ है इस जिंदगी से हुआ है और यहाँ से हमारा 50,000 का दायरा है लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 50,000 के दायरे में घूमें इमाम ने हमको च्वाइस दी है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जर्नी ऑफ द सोल रूह के सफर के जो लेक्चर है उसको सुने ताकि आप देख सकें कि आपके रूह का दायरा किस तरह से 50,000 से शॉर्ट हो सकता है यू कैन मेक द जर्नी ऑफ योर 50,000 ईयर शॉर्टर इफ यू लाइक But if you don't do anything, then that cycle is 50,000 a year. Have listen to those lectures. It will give you a lot of enlightenment regarding this question. G. So we have another question. So if an angel do ibadat and we humans do ibadat, Isn't the ibadat we do in human form more than angel form? Ji, according to Imam's Farman, is duniya mein agar hum apni marzi se, free will se ibadat karte hain, to ek ka 100, ek ka 1,000 count hota hai. Par jab hum mar jate hain, apni ruh ke saath ibadat karte hain, aur jo farishte ibadat karte hain, वो तो फ्री विल से नहीं है वो तो उसको करनी ही है दे हैव नो चॉइस तो जो नो चॉइस के साथ इबादत होती है वो तो एक का एक है वॉट एवर दे डू वन इज फॉर वन बट इन आवर लाइफ विद आवर फ्री विल इफ यू डू इबादत गुड डीड्स इट विल काउंट 1 to 100 तो फिर आपने बोला बैलेंस तो बैलेंस क्या होता है कैसे बैलेंस किया जाता है जो हजुमा बोलते हैं कि टू द बैलेंस So, अभी आपने बोला कि जो बैलेंस का तो बैलेंस का कैसे किया जाता है क्या इसको क्या मतलब होता है बैलेंस का मतलब ये है कि आपको जो नाचीज ने अभी दो बैलेंस बताए हैं एक कि आपके 24 घंटे इमाम ने दिए हैं आपको क्या आपने बैलेंस करके 12 घंटे अपनी रूह के लिए और 12 घंटे दुनिया के लिए रखे हैं या हमने 18 घंटे दुनिया के लिए और 6 घंटे रूह के लिए रखे हैं या 3 घंटे रूह के लिए और 21 घंटे
दुनिया के लिए रखे हैं। इमाम हमारी तवज्जो ड्रॉ करा रहे हैं यहाँ पर कि हम आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि हमारे 21 घंटे 21 आवर गोज टूवर्ड द टेम्पररी फिजिकल लाइफ, दुनिया के पीछे चले जाते हैं, और 3 घंटा मुश्किल से, इवन यहाँ पर भी डाउट है कि क्या हम 3 घंटा भी रोजाना देते हैं अपनी रूह के लिए, जो कि फर्ज है हम पर, दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट, 3 घंटा, जो 12.5% होता है 24 घंटे का, जो दसों की तरह, वक्त की दसों की तरह फर्ज है हम पर। तो बैलेंस करने के लिए भी हमको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सबसे पहले 3 घंटे हम ईमानदारी से अपनी रूह को दे, सो मेक अ चार्ट। आपको पता होगा कि सूफीज इन द टाइम एंड इवन टुडे दे ऑलवेज हैव अ चेकलिस्ट। आप एक चेकलिस्ट बनाए जिसमें 24 खाने बनाए, आप 24 कॉलम्स बनाए, और उस 24 घंटे के बॉक्सेस के अंदर आप रोजाना एवरी डे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस फॉर लेस से 30 डेज, कि आज मैंने 1 घंटा इमाम के लिए दिया, आज मैंने 2 घंटा इमाम को दिया, आज मैंने 3 घंटा अपनी रूह के लिए दिए। स्टार्ट मार्किंग दोज कॉलम्स। इफ यू कैन नॉट क्रॉस 3 कॉलम्स आउट ऑफ 24, यू आर वेरी 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 आउट ऑफ बैलेंस। अगर 3 घंटे हो जाते हैं, देन सी कैन यू मेक इट 4 आवर, 1 घंटा उसके अंदर इजाफा करें, तो फिर आप बोलेंगे कि या मौला, मैं कोशिश कर रही हूं तेरे फरमान के मुताबिक बैलेंस करने की। नेवर एवर से, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं बोले कि मैं अपनी जिंदगी को बैलेंस जिंदगी गुजार रहा हूं, नेवर से दैट। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मैं तो अपनी जिंदगी बैलेंस गुजारती हूँ, तो आप मौला की मजाक उड़ाएंगे। क्यों? कि मौला ने तो आपको बैलेंस करने के लिए कहा था, लेकिन हमने 3 घंटे देकर और हम बोलते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया। पे अटेंशन टू इमाम फरमान, मेक ए कॉलम, मेक ए चार्ट एंड चेक योर सेल्फ फॉर 30 डेज एंड सी कि क्या हम बैलेंस है कि नहीं है, और फिर आप मुझसे पूछे कि मैं कैसा बैलेंस करूं। आई कैन टेल यू नॉट ओनली 3 आवर, नॉट ओनली 6 आवर, नॉट ओनली 9 आवर, नॉट ओनली 12 आवर, आई कैन ऑलमोस्ट गिव यू अ प्रिस्क्रिप्शन टू बैलेंस योर लाइफ 24 आवर इंशाल्लाह, बट फर्स्ट मेक दिस चार्ट फॉर 30 डेज एंड सी वेयर यू आर। Okay, so how does they count? In the morning, we give on the Bandi time, and evening we do Dua time, and whole day we just do Ibadat in our heart, says Mola's name. So that all count? Whatever you do, make a put a chart. कि आज मैंने 1 घंटे में 5 मिनट मौला को याद किया, count 5 minutes. आज मैंने 1 घंटे के अंदर 12 बजे तस्वीर निकाली 1 घंटे तक, count 1 hour. शाम को मैं जमात खाने 1 घंटे के लिए गई, या 20 मिनट के लिए घर में बैठ के दुआ पढ़ी, काउंट 20 मिनट्स। सुबह को मैं 4 बजे इबादत के लिए उठी, 5:30 बजे दुआ पढ़ के सो गई, काउंट आवर एंड हाफ, एंड सी इफ यू कैन कम टू 3 आवर, बिकॉज़ व्हिच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेलकम। I have one question that about ibadat is very important, but in another farman Mula also says that how you behaved with other human beings in this world, right, that is even a bigger ibadat than the normal ibadat. Now if you can explain that, see? Ji. Both asan सा जवाब है इसका। एक मिसाल से हम समझते हैं इसको। Let me tell you in English. I believe you are an English speaking person. It's very easy to understand this point. Let's say एक आदमी जिसको आप रोजाना सुबह को जमात खाने में देखते हैं, जो रोजाना सुबह को इबादत करने आता है,
लेकिन वो आदमी अच्छा आदमी नहीं है। इबादत तो रोजाना करता है लेकिन जब वो दुकान पे जाता है, काम पर जाता है, लोगों से झगड़ता है, घर में जाता है बीवी बच्चों से लड़ता है, वो अच्छा इंसान नहीं है, कस्टमर से लड़ता है, रास्ते में गाड़ी चलाते हुए लोगों को गालियां देता है। तो मौला हमको समझा रहे हैं कि इबादत करने से पहले अपने आमाल को दुरुस्त करो, मेक योर सेल्फ अ गुड ह्यूमन सो योर इबादत विल काउंट। क्योंकि खाली इबादत कर रहे हैं और दूसरों को मदद ना करना कोई फायदा नहीं है इस इबादत का, बिकॉज यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन। दूसरी मिसाल, सेकंड एग्जांपल, कि एक आदमी है जो ना तो किसी को तकलीफ पहुंचाता है लेकिन ना कभी किसी की मदद करता है, थोड़ा पैसे वाला है लेकिन वो अपने पैसे को दबा के रखता है, कभी भी किसी की मदद नहीं करता है, बट ही डज इबादत एवरी डे, किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाता है लेकिन कभी किसी की मदद भी नहीं करता है और वो इबादत करता है। तो खुदावंद ताला का जो था कि सबसे बड़ा अच्छा अमाल ये है कि जिसने खुदावंद ताला के कुंबे कुंबे फैमिली की मदद की। खुदावंद ताला की फैमिली क्या है? इंसान है, कि जो इंसान की मदद करता है वो ऐसा है जैसा खुदावंद ताला की फैमिली की मदद की, और वो सबसे बड़ी इबादत है। तो इबादत खाली जो हम इबादत में बैठते हैं उससे बढ़कर अच्छे अमाल, लोगों की मदद, बी अ गुड ह्यूमन, वो पहले आता है, इबादत बाद में आती है। क्योंकि इबादत का मतलब था इताहत करना, इताहत करना, फॉलो करना इमाम को। तो इमाम को फॉलो करने के लिए पहले क्या आता है? बी अ गुड ह्यूमन, लेंड योर हैंड टू योर ब्रदर एंड सिस्टर, हेल्प अदर्स, बी गुड टू अदर्स, बी नाइस टू अदर, बी अ गुड पर्सन। और उसके बाद जब हम इबादत करते हैं तो इस इबादत का बहुत जल्दी फायदा होता है। यहाँ पर ये फरमाता, आई हैव फाउंड अ चार्ट, कमरे साहब इफ यू गिव मी परमिशन आई वुड लाइक टू शो अ चार्ट। जी सर जी, फॉर द लेडी हु वाज आस्किंग अबाउट द बैलेंस, टेल मी व्हेन यू सी द चार्ट। आपको चार्ट नजर आ रहा है कमरे साहब? Not yet, sir. But I can see a screen, but not the chart yet. Okay, not the chart. Okay, all right. Up. जी सर. Okay, all right. So, हमारी जो sister वो पूछ रही थी कि किस तरह से हम इसको समझ सके balance. You can see on this chart कि रात को 12 बजे से लेकर दिन के रात के 11 बजे तक ये 24 घंटे का चार्ट है। ये सूफियों का चार्ट है। सूफी क्या करते हैं कि जब वो कोई अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं तो इस चार्ट के अंदर वो अपना निशान मारते हैं कि मैंने रात को 12 बजे तस्वी की, मैंने दोपहर को 12 बजे तस्वी की, उसको मार्क करते हैं। फिर शाम को मैंने एक घंटा जमात खाने के अंदर गया, मैंने सुबह को 4 बजे इबादत की, बल्कि 5 बजे तक मैंने इबादत की, और वो उसको मार्क करते हैं। आप देखें कि अगर आप रात को 12 बजे भी उठ के इबादत करते हैं, सुबह को 4 बजे भी इबादत जाते हैं, 5-6 बजे तक जमात खाने में या अपनी दुआ बंदगी में रहते हैं, फिर दोपहर को 12 बजे भी बैठकर तस्बीह करते हैं, शाम को भी जमात खाने जाते हैं, अब कितने घंटे हुए? 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ है बैलेंस? बैलेंस कहाँ है? बहुत मुश्किल है बैलेंस करना। अगर कोई कहता है कि मैं बैलेंस करता हूं तो वो इमाम की मजाक उड़ाता है, क्योंकि बैलेंस करना इतना मुश्किल है। देखिए, आप नेक्स्ट चार्ट में आए, नाचीज ने यहाँ पर एक चार्ट बनाया कि मिनिमम 3 घंटे जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से देते हैं हम। अगर हम 3:30 बजे रोजाना उठ जाते हैं जमात खाने के लिए सुबह को, और 5:30 बजे वापस आ जाते हैं, तो ये 2 घंटा हुआ। शाम को हम 1 घंटा 7 बजे का दुआ के अंदर, तस्बीहात के अंदर निकाल देते हैं,
ये 3 घंटे हुए, विच इज द मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप इस तरह से एक चार्ट बनाए, पेपर पेंसिल लेकर एक चार्ट बनाए, यू डोंट हैव टू शो मी, यू डोंट हैव टू शो एनीवन। अपने आप को पूछे कि क्या माय लाइफ इज बैलेंस के नहीं, क्या मैंने अपनी जिंदगी बैलेंस की है कि नहीं की है, अपने आप से पूछे। और ये चार्ट बनाकर आप उसको मार्क करें, 15 मिनट में ही है तो 15 मिनट को लिखें, 1 घंटा है तो 1 घंटे को लिखें, 2 घंटा है तो 2 घंटे को लिखें, एंड सी कि आपकी लाइफ बैलेंस है कि नहीं है। तो ये चार्ट आपके सामने है, आप उसको बनाएं अपने पेपर पेंसिल लेकर। जी थैंक यू कमल सर। अच्छा So, सारे दिन हम खुदा को याद करते रहते हैं, उसको भी काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं, लेकिन सारा दिन हम अगर इमाम को याद करते हैं तो आपको पूछना होगा कि कितनी देर हम भूल जाते हैं। लेट्स से कि हमको अचानक से खाना पकाते पकाते मुला की याद आती है, हम गिनान बोलने लगते हैं, ठीक है, तो 15 मिनट हो गई, फिर हम भूल गए, हम टीवी देखने बैठ गए, फिर हम अपने बच्चों से बातें करने बैठ गए, फिर हम ग्रोसरी करने और शॉपिंग करने चले गए, तो आप उल्टा चलेंगे फिर कि हमने कब इमाम की गफलत की। करते करते आपको पता चलेगा कि बहुत सारा वक्त गफलत में जा रहा है और बहुत ही कम वक्त इमाम हमको याद आता है। इमाम ने इसके लिए एक कनाडा के अंदर गोल्डन जुबली के अंदर फरमान फरमाया है, और ये फरमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। मौला फरमाते कि अगर 5 सेकंड भी हो ना मुझे याद करें। अब 5 सेकंड को आप जमा करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप, इंशाल्लाह एक दिन वो दरिया बन जाएगा। तो जब भी हम लोग टीवी का तरीका है हमें समझाने के लिए, तो जब भी हम लोग टीवी देखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, मुंह में सिर्फ याली याली होता है, चाहे कुछ भी देखो मुंह में याली याली करते, Keep a good balance. और ऐसा नहीं कि 12 घंटे पे पहुंच गए तो फिर छोड़ दिया, फिर 14 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर 18 घंटे। आप अपने पीरों के नक्शे कदम पे चले कि पीर 16 घंटे करते थे ये काम, तो हमको तो मौलाना ने फरमाया कि आप पीर 17 दिन जैसे बन सकते हैं। कब बनेंगे? जब हम 16 घंटे पे पहुंचेंगे। फिर मौलाना ने फरमाया आप उससे भी आगे जा सकते हैं। उससे आगे कब जाएंगे? जब हम 24 घंटे करेंगे। देखा आपने? मैंने आपके बहुत सारे सेशन सुने हैं, इसमें एक जगह पर मैं सुन रहा था तो उसमें मेरे जहन में एक आपने जिसमें जिक्र किया था कि हजरत आदम से पहले इमाम थे, आपने नाम भी दिया था उनका, तो ये जो इमाम आए, इमाम थे आदम को जिन्होंने बोल दिया, दो सवाल है मेरे बेसिकली। पहला सवाल ये है कि इसका क्या रेफरेंस कहीं से मिल सकता है, कहाँ से ये आपने लिया है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, दीन के पेज नंबर 228 पर, वजह दीन उर्दू पेज नंबर 228। अच्छा ओके। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इमाम हमको बोल देते हैं, ठीक है, और उस बोल से हम लोग जो है वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इमाम के पास ऑलरेडी, इमाम के पास नूर होता है, जो तो जो एक इमाम जो है दूसरे इमाम को या नातिक को जो बोल देते हैं, तो वो अपना नूर ट्रांसफर करते हैं या बोल देते हैं, ये तो आप उसकी वो आप जब बता रहे थे तो उसमें जरा सी क्लियरिफिकेशन नहीं थी उसमें। जी, वो क्लेरिफिकेशन जानबूझ के कभी कभार नहीं होती है वहां पर, ताकि वो लोग जो इन बातों को सुनकर तवज्जो देते हैं वो पूछ सके, क्योंकि हर आदमी की तवज्जो इल्म के ऊपर नहीं होती है। तो आपके सवाल का जवाब, सबसे पहले आपने जो कहा इमाम हुनैद की बात की, इमाम हुनैद जो आदम से पहले इमाम थे, जिन्होंने आदम को इसमें आजम दिया था, और ये आपको वजीदीन का मैंने एक रेफरेंस दिया आपको। इसके अलावा एक किताब है सरायर, सरायर
नुस्खा द सीक्रेट्स ऑफ द प्रॉफिट्स, उसके अंदर भी आपको आदम का जो किस्सा है, जो पहला ही चैप्टर है उस किताब का, उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर ना सिर्फ इमाम हुनैद का रेफरेंस बल्कि उसके बाद के भी इमामों का रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इमाम के पास जो इसमें आजम है जो हमको देते हैं, तो नूर कब देते हैं इमाम हमको, ये सवाल है आपका। और आपको इतना ताज्जुब होगा ये बात को सुनकर कि जिस वक्त इमाम ने आपको इसमें आजम दिया, जब आप उस बेतुल ख्याल के पिंडोल के अंदर बैठे हुए थे जहां पर इमाम इसमें आजम इनायत फरमा रहे थे, आपने इसमें आजम को जरूर सुना, लेकिन जो चीज आप मिस कर गए वो दो चीजें थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने मिस नहीं किया होगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब इमाम इसमें आजम हमको देते हैं तो उसकी मिसाल एक रुमाल की जैसी है, रुमाल हैंडकरचीफ, वो इस इसमें आजम के अंदर अपनी दुआ आशीष और अपना नूर दोनों डालकर उसको लिपेट देते हैं और आपके कान में फूंक देते हैं, जिस तरह से आदम के अंदर रूह फूकी गई थी, इसी तरह से इमाम आपके अंदर अपनी रूह फूंक देते हैं इसमें आजम के जरिए से। फिर मौला ने फरमाया कि आप अपने इसमें आजम को पाल पोस कर बड़ा करें। क्या मतलब है? आप अपने इसमें आजम को इतना समझ कर पढ़े कि वो इसमें आजम खुल जाए रुमाल की तरह। जब इसमें आजम खुलेगा तो वहां से दो चीजें मिलेंगी आपको, इमाम की ब्लेसिंग और इमाम का नूर जो उसी वक्त आपको दे दिया था। ऐसा नहीं कि नूर बाद में आने वाला है कहीं से, नहीं, आपने जब ख्वाहिश की इसमें आजम की उसी के साथ इमाम ने आपको अपना नूर भी उसके अंदर डाल के दे दिया। आपका तीसरा क्वेश्चन, एक इसमें आजम जो हमको मिलता है यानी कि हम गरीबों को और नाचीजों को मिलता है, और एक इसमें आजम जो इमाम आने वाले नातिक को देता है, फॉर एग्जाम्पल आदम, फॉर एग्जाम्पल हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फॉर एग्जाम्पल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जो इसमें आजम देता है वो एक खास वेरी पर्टिकुलर इसमें आजम होता है, जिसकी वजह से वो इतना जल्दी, कितना जल्दी, 40 दिन की इबादत में वो मुस्तजीब माजून दाई हुज्जत इमाम से ऊपर नातिक के दर्जे पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एक खास पर्टिकुलर इसमें आजम होता है। जी, मेरा एक और सवाल है। जी, जब हम कुरान के अंदर पढ़ते हैं कि आदम व नूह व इब्राहिम व मूसा और ईसा और प्रॉफेट मोहम्मद, ये 7 लेवल 6 लेवल बताए, जो तो इसमें हजरत दाऊद का नाम नहीं आता, हालांकि हजरत दाऊद पे किताब भी नाजिल हुई थी, ओके, लेकिन उनको क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया, कि उनके कोई नस्ल के बारे में कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं है, उसकी वजह क्या है? जी, कुरान के अंदर 3 किस्म के प्रॉफिट्स हैं। इंग्लिश में खाली हम एक ही वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट, जबकि हमारे हुदूद-ए-दीन ने हमको 3 किस्में बताई है प्रॉफिट की। एक जिसको हम पैगंबर कहते हैं, पैगंबर 1,24,000 है, 1,24,000। सेकंड हम उस रसूल कहते हैं, रिसालत के साथ, किताब के साथ, ओ, और थर्ड नातिक, नातिक यानी के अपनी खुद की शरीयत लाने वाला। तो जो 6 आपने नाम बताए वो 6 नुतकाओं के नाम है, यानी के 6 दौरे शरीयत
छह डेज ऑफ अल्लाह, ये आप सूरह 11 आयत नंबर 7 के अंदर देख सकते हैं कि खुदा ने छह दिनों में यानी कि छह नुस्खाओं के दौर के अंदर दुनिया को मजहब के लिहाज से, इल्म के लिहाज से मुकम्मल किया। उसके अलावा रसूल जो थे जिसके अंदर दाऊद भी है, आपने देखा, और रसूलों में आते हैं, नुस्खा के अंदर नहीं आते हैं। और पैगंबरों में सुलेमान है, यूसुफ है, याकूब है, इसाक है, अय्यूब है, इलियास है, 25 नाम आपको मिलेंगे कुरान के अंदर। और इन 25 नामों के अंदर सिर्फ 6 मिलेंगे नातिक के, 7 मिलेंगे रसूलों के और बाकी पैगंबरों के। ये बात आज आपने जान ली तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि क्यों एक का जिक्र हुआ और दूसरे का नहीं हुआ। जी Sir, we have one question from a friend. So, friend is asking, what does it mean? Imam ne orkhya wagar ni ibadat kabul tha thi na thi. Ji. The recognition of Imam. Aap Mullah Ali se lekar tamam imamon ke faramin ko uthaye, aapko one cheez common milengi. तमाम के फरमान में, जिसे जिसके भी हमारे पास फरमान अवेलेबल है, मौला अली से लेकर हाजिर इमाम तक जितने भी इमामों के फरमान हमारे पास अवेलेबल है, यू विल फाइंड वन कॉमन थिंग, यू नो व्हाट दैट इज, रिकॉग्निशन ऑफ इमाम, इमाम की पहचान, इमाम की पहचान, इमाम की पहचान, इमाम की पहचान। तो ये फरमान खोजों के लिए है, इस्माइलियों के लिए है या दूसरों के लिए है? आपका जवाब होगा ऑब्वियसली इस्माइलियों के लिए है फरमान। तो फिर इमाम हमको कह रहे हैं कि क्या आप इमाम को पहचानते हैं, क्या आपने इमाम को पहचाना है? देखिए, ये फरमान बाहर के लिए वालों के लिए नहीं है। अगर हम कहें कि इमाम ये कह रहे हैं कि कोई शख्स जो इस्माइली नहीं है उसकी इबादत नहीं गिनी जाएंगी, तो ये तो फरमान इस्माइलियों के लिए है। अभी हाजिर जामे में मौला ने, आपके पास अगर ये फरमान की किताब है तो आप 2000 रशिया मास्को का फरमान पढ़ लें, और हाजिर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का पहला फरमान पढ़ लें, आपको दोनों के अंदर एक बात मिलेंगी, इमाम को पहचाने। तो फरमान तो जमात का हो रहा है, तो जमात के इमाम को नहीं पहचानती है? जरूर हम नहीं पहचानते हैं इमाम को, इसलिए तो इमाम हमको फरमा रहे हैं कि इमाम को पहचाने। इमाम बोलते हैं, इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर तरीका दैट यू मस्ट रिकॉग्नाइज द इमाम ऑफ द टाइम। जी, आपका बात दुरुस्त है कि जिसने इमाम को नहीं पहचाना है, भले वो खोजा हो कि इस्माइली हो, इमाम को पहचानने के बगैर इबादत नहीं हो सकती है। जी अजीज भाई, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है कि व्हेन यू सिट ऑन बंगी डोंट लुक एट माय फेस। ओके, अभी कभी क्वेश्चन क्या है कि हाजिर इमाम ने हमें बोल दिया, ओके, नाउ मैं जब बंदगी में बैठता हूँ तो मुझे वो याद आते हैं कि हाजिर इमाम मुझे बोल देते हैं, नाउ आई कांट अवॉइड इट। तो अभी क्या करूँ? सी, दिस इज द क्वेश्चन। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग माय ब्रदर, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो लेट्स कम टू द सेकंड पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन। फर्स्ट, बिलीव मी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ओके, सेकंड, When Imam says, "Don't think of my face," क्योंकि इमाम का जो चेहरा है या हम इमाम के चेहरे की इबादत करते हैं, and the face is a physical thing, then हम idealism करते हैं। तो इसलिए मौलाना ने क्या फरमाया, अपने बोल के ऊपर तवज्जो दो,
अपने बोल के ऊपर तवज्जो दो, क्योंकि बोल के अंदर मैंने आपको अपना नूर दिया है, मेरे फिजिकल बॉडी के ऊपर नहीं, मेरे नूर के ऊपर तवज्जो दो। ये फरमा रहे हैं इमाम के बोल के अंदर जो मैंने दुआ आशीष और नूर रखा है ना, उसके ऊपर तवज्जो दो, मेरे फिजिकल बॉडी के ऊपर तवज्जो नहीं दो। बट अगर इमाम को आप देखते हैं तो मुबारक सुभान अल्लाह, क्योंकि इमाम का चेहरा, मौलाली ने फरमाया कि मेरे को देखना खुदा को देखना है और मेरे को देखना खुदा का दीदार है। तो दिस इज अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, डोंट वरी अबाउट इट, बट ट्राई टू फोकस ऑन योर इस्मे आजम एंड नूर विद इन इट। जी थैंक यू कमरे साहब, वी आर रनिंग इन ओवर टाइम नाउ। यस सर, सो वी कैन एंड द सेशन सर। जी थैंk you everybody, thank you for joining us. May Allah be with you. Ameen. Yali madad, thank you sir. Yali madad, Elvis. Yali madad. Thank you. Yeah. Thank you sir. Yali madad. Yali madad. Yali madad. Yali madad sir.